बलरामपुर में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में चरमपंथियों और उन्मादियों द्वारा अवैध कब्जा करने और हिंदू धर्म स्थलों के विरुद्ध फिलिस्तीनी मॉडल की खबरें तमाम रिपोर्टरों ने प्रकाशित की हैं। वीर विनय चौक स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत महेंद्र दास ने मीडिया को बताया कि बलरामपुर श्रावस्ती सीमावर्ती जनपद है। यहाँ पर चरमपंथियों द्वारा फिलिस्तीनी मॉडल संचालित किया जा रहा है। महेंद्र दास ने कहा कि हनुमानगढ़ी मंदिर सिर्फ बलरामपुर ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी मंदिर भी फिलिस्तीनी साजिश का शिकार लगातार हो रहा है। वर्ग विशेष के उन्मादियों द्वारा महिलाओं और बच्चों को आगे करके साजिश किया जाता है। बलरामपुर जिले में चरमपंथियों का बोलबाला है। प्रशासनिक संलिप्तता और अवैध अर्थतंत्र एवं हिंदू धर्म स्थलों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम मनाया गया है। 17 सितंबर को जब बलरामपुर में युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया था। 148 यूनिट युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर